जय माता दी बहनों और भाइयों, आज है दुर्गाष्टमी। तो आज दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप व्रत रही होंगी, आज मैं भी व्रत रही हूँ। और माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार है। फिर भी मेरे लिए मेरे चैनल पर कमेंट आए थे कि हमारे दोनों हाथ नहीं चलते हैं, तो आप ऐसी वीडियो बनाए बताइए जो हम आसानी से बजा सकें। तो आज मैं ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ उन बहनों के लिए जिनका ढोलक में दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं। तो वैसे भी मैंने पहले भी और अनेक वीडियो डाल रखी हैं, तो वो भी ऐसी हैं जिनके दोनों हाथ नहीं चलते तो वो बजा सकती हैं। फिर भी मैं आज उन बहनों के लिए लेके आई हूँ जिन्होंने कमेंट की थी। और आप सब भी सीखें, पहले इस वीडियो को सीखें, उसके बाद फिर अनेक वीडियो को सीखें, क्योंकि ये वाली वीडियो है ना बहुत ही सरल है बहनों। तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो इसलिए फिर भी मैं आपके लिए फिर भी मैं आई हूँ वीडियो बताने के लिए। तो मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ढोलक की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, धन्यवाद। तो बहनों देखो, ये ढोलक जो मैं बताने जा रही हूँ, ये तीन थापी वाली ढोलक है और ये चार गिनतियों में होती है। तीन गिनती हमारी तीन थापी में होती है और एक गिनती हमारी चाटी की तरफ होती है। तो देखो बहनों, पहले हम आपको थापी की तरफ ले जाते हैं। तो आइए देखिए, देखो ये है थापी का हिस्सा। इसकी थोड़ी भारी आवाज, मोटी आवाज होती है और इसका पलड़ा थोड़ा बड़ा होता है। और ये तो खैर बड़ा हो ना हो, बराबर भी होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं, लेकिन इधर मसाला लगा हुआ होता है, ये हमारी थापी वाली निशानी है, तो इसको हम थापी बोलेंगे। तो इधर हम ऐसे ऐसे तीन थापी मारेंगे, इधर एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो इधर इधर देखो, हमारी ढोलक के तो बहनों एक बड़ा पल रहा है थापी का, चाटी का छोटा पल रहा है, तो इसलिए हमारी तो यही निशानी है। और हमें ढोलक ऐसी ही अच्छी लगती है, थापी की तरफ बड़ा चौड़ा और चाटी की तरफ पतला, ये अच्छा लगता है हमें, तो एक जैसे भी होते हैं। तो ये हमारा पतला हिस्सा है, इधर मसाला नहीं है और इधर महीन आवाज है, तो इसको हम चाटी का हिस्सा बोलेंगे। चाटी वाला बेस ये है और थापी वाला बेस ये है। तो इधर हम सिर्फ हम ऐसे प्रेस करेंगे चाटी को, क्योंकि बहुत सी बहनों को ऐसे चाटी उंगलियां घुमाना नहीं आता, इस तरीके से वो परेशान होती है, उसे उंगलियां चलानी नहीं आती। तो उनके लिए हम बहुत ही आसान ये वीडियो लेकर आए हैं। तो उनको सिर्फ ऐसे थापी का बेस पूरा होने के बाद, तीन थापी पूरी होने के बाद, हम सिर्फ इसको चाटी की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन। ये हमारा थापी वाला बेस जो रुक जाता है, उसके बाद हम इसको ऐसे चार मारेंगे। तो हम इसको ऐसे ढोलक से छुपाए रखेंगे और तब तक हमारी थापी बजेंगे। फिर हम थापी वाला हाथ ढोलक से लगाए रखेंगे, उसके बाद हम इस हाथ को उठाएंगे और ऐसे प्रेस करेंगे, चार चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन चार, एक दो तीन चार। तो बहनों, मैंने आपको इधर भी मैंने सामने करके दिखाया है और चाटी की तरफ भी सामने करके दिखाया है, आपको बहुत अच्छे से दिख गया होगा। अब मैं दोनों का मिलान करके आपको बताती हूँ कि ये ढोलक कैसी लग रही है। और मुझे बहनों कमेंट में जरूर बताना आपको ये ढोलक कैसी लगी, और फिर मैं अगली वीडियो आपको लेके लिए लेकर के आऊंगी आपके लिए। तो देखो मिलान कैसे करेंगे हम, चार एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन चार, तीन चार, एक दो 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 तीन च
डाल देती हूँ। और पहले भी मैंने अनेक वीडियो डाल रखी है ऐसी जिनका आपस में मिलान नहीं होता है, आप मेरी उन वीडियो को भी देखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जरूर ढोलक आएगी। और बहनों ये वाली ढोलक आसान भी है और हर गानों पर चलने वाली भी है, बहुत ही आसान है। इससे आसान और भी कई कोई ढोलक नहीं हो सकती, इसको बच्चा भी बजा सकता है, ये ऐसी ढोलक है। तो आइए हम आपको सामने दिखाते हैं। तो देखो तीन थापी मारेंगे, एक दो तीन, फिर हम उंगलियों को ऐसे ही छुपाए रखेंगे ढोलक से और फिर हम ये हाथ उठाएंगे, चार हम इस तरीके से मारेंगे, फिर हम ये वाला हाथ ऐसे छुपाए रखेंगे और फिर हम ऐसे तीन थापी मारेंगे, एक दो तीन। पहली थापी बहुत ही जल्दी होती है बहनों, दूसरी तुरंत बाद होती है और तीसरी में हल्का सा गैप होता है, तो इसलिए तीन थापी मारी जाएगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बहनों इस ढोलक में ऐसे गुम्बक मारनी नहीं होती, मेरा जुकाम बढ़ता जा रहा है, मैं परेशान लग रही हूँ, पर कोई नहीं, माता रानी जल्दी ठीक करेंगी। तो देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बहुत ही सरल ढोलक है, बहुत ही, ये तो आपसे जरूर आने वाली है मुझे पता है, क्योंकि इससे सरल कोई और ढोलक है नहीं, ये बहुत सरल ढोलक है। आपको कितनी मजा नहीं आई आप हमें जरूर बताएं, और आपको कैसी लगी आप हमें ये भी बताएं। तो देखो फिर से मिलान करते हैं, जल्दी जल्दी बजा के दिखाती हूँ, धीरे धीरे मैंने अभी बताई है, अब जल्दी जल्दी कैसे बजेगी ये ढोलक आप देखिए। तो देखो जल्दी जल्दी कितनी अच्छी लग रही है बहनों, इस पर डांस भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि डांस में थोड़ी चटक की ढोलक चाहिए, थोड़ी जल्दी जल्दी ढोलक चाहिए। ज्यादातर तो अधिकतर माताएं जल्दी जल्दी ढोलक पर ही जल्दी जल्दी डांस करना पसंद करती है, और धीरे धीरे जो मैंने डांस करना चाहती है तो इसको हम धीरे धीरे भी बजा सकते हैं और इसको हम जल्दी जल्दी भी बजा सकते हैं। तो देखो हम आपको एक गाने पर बजा कर दिखाते हैं, सामने तो मैंने बता दिया, अब एक गाने पर बजा के दिखाते हैं। एक भजन है, चलो हम डांस वाले गाना सुनाते हैं। हो काना अभी तो मुरली की मधुरे सुनाते तान, हो काना अभी तो मुरली की मधुरे सुनाते तान, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मैं तो तेरी बजाकर और मैंने गाने पर भी बजाकर दिखाई है, तो आपको ये ढोलक जरूर पसंद आई और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए जय माता दी।